जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या दिखाने वाला हूँ। सो बेसिकली मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या तरीका हो सकता है जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने फ़ोन में। तो अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपका जो पावर बटन है और जो साउंड डाउन बटन है उसको एक साथ प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके अलावा आप पाम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बट इन दोनों मेथड के अलावा और कोई मेथड नहीं है क्या? नहीं। तो मैं आज वही दिखाऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या मेथड हो सकता है जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने फ़ोन में। और बेसिकली ये सब तो सेटिंग्स के अंदर डिफॉल्ट में तो देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए मैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाला हूँ, कुछ एप्लीकेशन मैं डाउनलोड करूँगा जिससे आप अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जितना भी मेथड मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। सैमसंग का जो मेथड है पाम स्क्रीनशॉट या फिर बटन के थ्रू, उससे तो बहुत ही ईजी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एप्लीकेशन है सुपर स्टेटस बार। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना जो स्टेटस बार है उसके ऊपर वन टैप, डबल टैप या फिर लॉन्ग टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सेटअप करना है। सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और जस्ट होम पेज पर आ जाना है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे एक जेस्चर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर तीन ऑप्शन है, वन टैप, डबल टैप और लॉन्ग प्रेस। तो बेसिकली मैं यहाँ पर डबल टैप प्रीफर करूँगा क्योंकि वन टैप तो गलती से कभी भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर डबल टैप ही दिखाऊंगा। तो डबल टैप के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है। इसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा स्क्रीन शॉट का, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही आप कोई भी ऑप्शन के अंदर ये सेलेक्ट कर सकते हो। और सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से बैक आना है और उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कुछ परमिशन है जिसको अलाउ करना होता है, तो उसको पहले अलाउ कर देना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट नहीं लेगा ये। तो सिंपली आपको उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैं स्टेटस बार के ऊपर डबल टैप कर रहा हूँ और बहुत ही आसानी से स्क्रीनशॉट ले रहा है। तो ये मुझे बहुत ही यूनिक मेथड लगा स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप ट्राई करके देखना। और मुझे बहुत ही इजी टू यूज़ लगा इसलिए मैंने इसको एक नंबर पर रखा है। तो यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन है वन हैंड ऑपरेशन प्लस। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने स्क्रीन पर कोई भी जेस्चर के थ्रू स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि स्वाइप डाउन या फिर स्वाइप अप, ऐसे ही कुछ जेस्चर है जिसके थ्रू स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सेट करना है। इसके लिए सिंपली आपको गैलेक्सी स्टोर या फिर नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंडल और राइट हैंडल दो ऑप्शन है। तो आप बेसिकली दोनों ऑप्शन के अंदर ही स्क्रीनशॉट सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं राइट हैंडल के अंदर जाऊँगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो तीन ऑप्शन है, एक डायगोनल डाउन, डायगोनल अप और एक स्वाइप लेफ्ट। तो यहाँ पर मैं डायगोनल डाउन जो है ऑप्शन उस पर स्क्रीनशॉट सेट करूँगा। तो इसके लिए सिंपली उस पर टैप करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले एप्लीकेशन की तरह ही बहुत सारे ऑप्शन है और इसी के अंदर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी है, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही आप जो लेफ्ट हैंडल है वहाँ पर भी स्क्रीनशॉट सेट कर सकते हो। और सेट करने के बाद मैं दिखा देता हूँ ये काम करता है कि नहीं। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैं होम स्क्रीन पर हूँ अभी अपने फ़ोन का। और यहाँ पर अगर मैं डायगोनल डाउन, स्वाइप डाउन करूँ, जेस्चर यूज़ करूँ, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट क्लिक हो जा रहा है। तो ये बहुत ही यूनिक वे है स्क्रीनशॉट क्लिक करने का। और सैमसंग के अंदर कोई भी मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स नहीं है ऐसे स्क्रीनशॉट लेने का, तो मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल है। आप यूज़ करके देख सकते हो और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। तो यहाँ पर जो अगला एप्लीकेशन है इसका नाम है टैप टैप। और ये एप्लीकेशन बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है, हो सकता है दूसरे कोई वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल के बैक पर डबल टैप करोगे तो स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सेटअप करना है। इसके लिए सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको इसको ट्राई करना है, मतलब पीछे डबल टैप करना है, उसके बाद ये सेंसर डिटेक्ट करेगा। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो सेंसिटिविटी का एक ऑप्शन है, इसको आप हाई या फिर लो भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी परमिशन है सबको अलाउ कर देना है। और नीचे आप देख सकते हो एक बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, इसको आपको ऑफ कर देना है। और इसी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शन है, डबल टैप और ट्रिपल टैप। तो मैं यहाँ पर डबल टैप प्रीफर करता हूँ क्योंकि ट्रिपल टैप तो कोई भी नहीं करता, इसीलिए डबल टैप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो और बहुत ही आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस पर जाना है सिंपली। और जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो दो ऑप्शन है, सबसे पहला है गूगल असिस्टेंट का और दूसरा है स्क्रीनशॉट, मतलब यहाँ पर स्क्रीनशॉट डिफ़ॉल्ट में मिल जाता है। तो आपको सिंपली ड्रैग करके स्क्रीनशॉट को ऊपर लाना है या फिर आप गूगल असिस्टेंट को नीचे भी ला सकते हो। इससे होगा क्या कि अगर स्क्रीनशॉट ऊपर रहेगा तो डबल टैप आप जब करोगे तो स्क्रीनशॉट सबसे पहले क्लिक करेगा, उसके बाद अगर साथ साथ डबल टैप करोगे तो आपका गूगल असिस्टेंट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो इतना ही करना है, सिंपली इतना ही सेटअप करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैं अपने मोबाइल के बैक पर डबल टैप कर रहा हूँ
और स्क्रीनशॉट क्लिक हो जा रहा है। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल पर बहुत ही इजी और यूनिक मेथड को यूज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इतना ही एप्लीकेशन है और जितने भी एप्लीकेशन मैंने इस वीडियो में दिखाया है, हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन मैंने इससे पहले कोई और वीडियो में भी दिखा दिया है ऑलरेडी, और वहाँ पर मैंने स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट के लिए इतने एप्लीकेशन को नहीं दिखाया था। तो आप लोग ट्राई करके देखना और कितना यूजफुल है सारे एप्लीकेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।